Assalamu alaikum. My name is Shahid Malik and I have just joined Super Technologies and have been asked to tell my story, and I have 15 minutes to do that. So I'm hoping to do that within 5 or 6 minutes and try and make it as short as possible. But yeah, great. And this is the first time that I'm going to do anything like this. So I was born in 1981, and I have a twin brother. मेरे भाई का नाम खुर्रम है. मेरे बड़े भाई हैं, एक उनका नाम है खालिद, और मेरी अम्मी हैं. मेरे अबू भी हयात नहीं हैं, 2008 में ही पास्ड अवे. मेरी अम्मी जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में रहती हैं, और मेरी बहन भी यूनाइटेड स्टेट्स में रहती है. मेरी अम्मी मेरे फेसबुक पे हैं, यू कैन ऐड हर. हर नेम इज़ आइरीन मलिक, एंड यू कैन आल्सो ऐड माय ब्रदर, हिज नेम इज़ खुर्रम मलिक, एंड द एल्डेस्ट ब्रदर इज़ खालिद मलिक. मेरे अब्बू जो हैं, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत हार्ड वर्क किया है और बहुत मेहनत की है, और मेरे हम उनको डैडी कहते थे, हमारे डैडी परवेज़ अख्तर मलिक. ही वॉज़ अ लॉयर, और बहुत हार्ड वर्किंग इंसान थे, बहुत ज़्यादा. घर के काम भी करते थे, हमारी खिदमत भी करते थे, हमें एहसास भी नहीं होने देते थे, हमें बच्चों की तरह रखते थे. इसी तरह हमारी अम्मी हैं, मेरी मम्मी, उन्होंने हमारा बड़ा ख्याल रखा है ज़िंदगी भर. बहुत सख्त ट्रेनिंग रही है हमारी बचपन में. हमारे अम्मी अबू ने हमारे पे काफ़ी सख्ती की, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप, जैसे कहते हैं कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, अगर आप सख्ती नहीं करेंगे तो कभी भी आपकी औलाद सुधरेगी नहीं. तो सुधारने के लिए कभी कभी एक आध चमाट लगाना ज़रूरी है. तो सबके लिए यही मैसेज है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कामयाब हों, तो उनको एक आध छितर लगा दें, ज़रूरी है. उसके अलावा हमारे जो फैमिली है, मैं अपने भाई का तारुफ करा. मेरे भाई जो हैं खालिद मलिक, वो बैंकर हैं, पिछले 10 साल से बैंकिंग कर रहे हैं. अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक में वो एक सीनियर लेवल के बैंकर हैं. खुर्रम जो हैं वो, उन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया है लाइफ में, बहुत मेहनत की है उन्होंने. सबसे पहले उन्होंने पिज़्ज़ा हट और ये जिस तरह के जो हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह, इनके कार्ड्स सड़कों पे जो है वो खड़े होकर बेचे हैं. उसके बाद इन्होंने पोस्टर्स वगैरह चिपकाए हैं किसी मार्केटिंग फर्म के लिए, जो इनको डिफरेंट काम कहते थे, कभी ये करें कभी ये करें. तो फिर वहाँ से उन्होंने स्टार्ट लिया. फिर उन्होंने 8-10 साल अपने इसी आर्टिस्टिक कंपनी, आर्टिस्टिक मिलेनर, वहाँ पर काम किया. उन्होंने भी काफ़ी सिखाया इनको, वीविंग का, टेक्सटाइल का, बहुत एक्सपीरियंस है इनके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने का. और अब जो है ये वर्चुअल असिस्टेंट हैं एक US बेस्ड फॉर्म के, घर से बैठ के काम करते हैं, एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेरी वेल. मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैंने जो है वो अपना कैरियर स्टार्ट किया था जब मैं इंटरमीडिएट में था, तो मैंने एक मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की थी, उसका नाम था माइक्रो मैनेजमेंट सिस्टम्स, और वहाँ पे मैंने 1.5 साल गुजारा था. तजर्बा मेरा कुछ इतना ख़ास नहीं रहा, क्योंकि उनका मुझे अच्छा नहीं लगा हिसाब किताब. वो बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते थे अपने एम्प्लॉयज़ को, मतलब ख़ासकर मुझे, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता था, बहुत कोशिश करता था, लेकिन वो अप्रिसिएशन नहीं थी वहाँ पे, और कुछ इतना इनकरेजिंग इन्वायरमेंट नहीं था. तो बहरहाल फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, उसका नाम था मुस्तफ़ा, उसने मुझे कहा कि सुपर टेक एक कंपनी है, इसमें आओ सुपर फ़ोन के नाम से. उस वक्त नया नया कॉल सेंटर ज्वाइन किया था मुस्तफ़ा ने, 2002 या 2003 की बात. तो उसने मुझे कहा कि तू यहाँ पे अपना क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, आ जाओ सुपर टेक्नोलॉजीज़ में, सुपर फ़ोन में मैं तेरा कुछ करवा दूँगा वहाँ पर. मैंने कहा अच्छा ठीक है, आ जाते हैं. मैं आया, आके इंटरव्यू दिया फरहान
शेख होते थे उस वक्त मैनेजर, उनसे मेरी बात हुई और एक दो और लोग थे, जमाल साहब से बात हुई थी, उन्होंने मुझे रख लिया जॉब पे, 6,000 की तनख्वाह पे रख लिया था उन्होंने मुझे। फिर कॉल सेंटर एजेंट के तौर पे मैंने स्टार्ट किया और कैंपेन्स पे काम किया अमेरिकन एक्सप्रेस की। उस ज़माने में मेरा एक दोस्त था अदनान मलिक, वो और मैं बहुत इंजॉय करते थे, बहुत काम भी करते थे, तो हम दोनों की बहुत बनती थी आपस में, क्योंकि हम एक दूसरे को बीट करने के चक्कर में रहते थे कि आज मैं इतने क्लाइंट से बात करूँगा, आज मैं इतनी लीड्स क्लोज करूँगा, आज मैं इतने क्लाइंट पकड़ूंगा। तो वो एक बड़ा ही कंपेटिटिव इन्वायरमेंट बना दिया था हमने वहाँ पे, हमारी वजह से पूरा डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी पम्प्ड अप रहता था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कॉल सेंटर उस वक्त बहुत बड़ा था, रेहान साहब का, रेहान साहब ऑफिस में नहीं आते थे, हमने नहीं देखा था उनको, लेकिन एक दिन 6 महीने के बाद हमें पता चला कि पूरे ऑपरेशंस क्लोज हो रहे हैं सुपरफोन के, क्योंकि हमारे स्टाफ में से कुछ लोगों ने शरारत की थी, दे मेड इंटरनेशनल फोन कॉल्स फ्रॉम द वॉनिश डिवाइसेस दैट वी वर सपोज टू यूज जस्ट फॉर क्लाइंट्स, दे यूज दोज फोन्स टू मेक पर्सनल कॉल्स इन पाकिस्तान, जिसकी वजह से बिल्स जो हैं वॉनिश के वो बहुत ज़्यादा आए थे, जितना मुझे पता है, जितना मुझे बताया गया था। फिर आफ्टर सम टाइम 1 महीने के बाद दोबारा से कॉल आई जमाल साहब की, उन्होंने हमें, मुझे और एक दो लोग और थे जिनको बुलाया था, तो हमारा दोबारा इंटरव्यू हुआ और हमें दोबारा उन्होंने रख लिया। फिर वहाँ पहली दफ़ा रेहान साहब से मुलाकात हुई, फिर हमने स्टार्ट लिया सुपरफोन, फिर हम ब्रेन के ऑफिस में बैठे थे, ब्रेन के ऑफिस में मैं अकेला ही होता था, वहाँ पे मैंने काम किया, एक दो महीने काम किया काफ़ी मेहनत से, कुछ थोड़ा नुकसान भी किया कंपनी का, सिस्को ATEs जला दिए थे एक दो, लेकिन रेहान साहब ने मुझे कुछ नहीं कहा। फिर रेहान साहब के साथ डायरेक्टली मेरा इत्तेफाक हुआ काम करने का उनके घर पे, और वहाँ पे मेरी सही ट्रेनिंग शुरू हुई, जो मुझे पता ही नहीं, मैं बहुत यंग था उस वक्त, 20, 21 या 22 तक का था शायद मैं, और मैंने बहुत वहाँ पे सीखा रेहान साहब से, डायरेक्टली उनके घर पे जाता था, मुझे वो टोकते थे जब मैं टाई पहन के नहीं आता था, और जब मेरे जूते गंदे होते थे या मेरे बाल नहीं बने होते थे या मेरी शर्ट का बटन टूटा हुआ होता था या शर्ट इस्त्री नहीं होती थी, हर चीज़ वो नोट करते थे और मुझे वो सिखाते थे। उन्होंने मुझे इंसान का बच्चा बनाया था उस दौर में मैं, और उसके अलावा उनसे जो मुझे लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, वो मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें करवाते थे जो मुझे कभी आइडिया भी नहीं था, और ना मैंने कभी सोचा था, ना मेरे में इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं कभी किसी को इस तरह से बात करूं, मैं बहुत शाय था, मैं बड़ी ऑडियंस के सामने कभी बात नहीं कर सकता था, तो या अगर रेहान साहब बैठे हुए हैं या उनकी फैमिली है या उनके कोई गेस्ट हैं, उनके सामने अगर वो मुझे कहें कि आप किसी को कॉल करो अमेरिका में और उसको ये मैसेज दें मेरा, तो मेरे को ज़रा हिचकिचाहट होती थी। और उसके अलावा भी बहुत सारे काम करने को मुझे कहते थे, जैसे कि कन्फिगर करूँ मैं सिस्को ATA 186 और लिनक्स का सर्वर हैंडल करूँ, इंस्टॉलेशन सीखूँ, मुझे थोड़ी बहुत आती थी प्रोग्रामिंग और लिनक्स वगैरह, लेकिन मैं प्रिपेयर्ड नहीं था कि मैं एडवांस लेवल की चीज़ें कर सकूँ, लेकिन रेहान साहब ने मुझ पर बहुत एतबार किया और हमेशा मुझे पुश किया, मेरी लिमिट से बियॉन्ड मुझे पुश करते थे ऑलवेज, जिसकी वजह से मुझ में इम्प्रूवमेंट आती चली गई आती चली गई। फिर एक्सपैंड हुआ, फिर ऑफिस लिया रेहान साहब ने, टीपू सुल्तान रोड पे एक दफ्तर खुला था, उसको चलाया, वहाँ पे मुझे इंचार्ज बना दिया, मुझे पता भी नहीं चला मैं इंचार्ज बन गया, मुझ में अक्ल ही नहीं थी इतनी सारी बातों की, मुझे इंचार्ज बना दिया गया, मुझ में शायद प्राइड भी आ गई थोड़ी सी, जो कि जिसकी वजह से मुझ में गुरूर आ गया, और गुरूर की वजह से जो है मैं थोड़ा सा बदतमीज़ सा हो गया, थोड़ा सा ज़िद्दी सा हो गया, मुझे छोटी छोटी बातें बुरी लगने लग गई, अगर कभी कुछ कह दिया गुस्से में रेहान साहब ने या किसी किसी और किसी क्लाइंट ने मुझे कुछ कह दिया, हालांकि पहले की बातें बहुत नॉर्मल होती थी, रेहान साहब मुझे डांटते थे, क्लाइंट से मुझे गालियाँ सुनने को मिलती थी ऑल द टाइम्स, लेकिन मुझे कोई वो नहीं था कभी भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे पोजीशन बढ़ती चली गई मुझमें गुरूर टाइप आ गया, और मैं थोड़ा सा एरोगेंट भी शायद हो गया था। फिर मुझे एक दिन रेहान साहब ने
मुझे मोटरबाइक दिलाई और मुझे मोबाइल फ़ोन दिया, मेरी सैलरी बढ़ा के 25,000 कर दी थी 2006 तक। पहले मुझे 1.5 साल तक बहुत मेहनत की, मैंने बहुत 12-12 घंटे काम करता था। मंडे शाम को 6 बजे आता था और ट्यूसडे की सुबह 6 बजे ऑफिस जाता था। बस के ऊपर मेरी सैलरी 6,000 होती थी और इस तरह चलता रहता था सिलसिला। सैटरडे भी काम होता था, चाहे अमेरिका में छुट्टी हो या ना हो, चाहे पाकिस्तान में छुट्टी हो या ना हो। बड़ा टफ टाइम था, लेकिन मैं उस वक्त बहुत यंग था और मेरे में बहुत एनर्जी थी, तो मैं कोशिश करता था हमेशा टाइम पे आऊँ और हमेशा जितना बॉस मुझसे कहते हैं उतना मैं करके दूँ, डिलीवर करके दूँ। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है मुझे कुछ बातें बुरी लगने लग गई, छोटी छोटी बातें, हालांकि नहीं लगनी चाहिए थी, मैंने बॉस से ही सीखा सब कुछ। फिर एक दिन मुझे कुछ कहा रेहान साहब ने, मैंने गुस्से में उनको कहा कि अब मैं इस कंपनी में ऐसा काम नहीं करूँगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये गलत एटीट्यूड है आपका, उसको दोबारा सोचेंगे आप क्या कह रहे हैं। लेकिन मैंने जो है बस जिद हो गया, बच्चों की तरह मैं जिद्दी सा हो गया था। मैं वैसे घर में भी बहुत जिद्दी था, मेरे अम्मी अबू मुझे चमाट रख देते थे जब मैं कोई इस तरह की हरकत करता था। रेहान साहब ने जो है वो मुझे नहीं मारा, शायद मार देते तो बहुत अच्छा रहता। मैं फिर बहरहाल नाराज़गी में चला गया। उससे पहले 2005 में रेहान अलावाला साहब ने मुझे दुबई भी भेजा था अपने साथ, कॉन्फ्रेंस में गए थे रेहान अलावाला साहब लेके दुबई, और वहाँ बहुत ज़बरदस्त, मेरे पास उससे पहले कभी ना किसी कंट्री का वीज़ा था, ना मैंने कभी ट्रैवल किया था। दुबई जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, एक नई दुनिया, वहाँ पे मुझे कुछ थोड़ा सा थोड़ा बहुत सीखने को भी मिला। लेकिन मैं ये शायद भूल गया था कि मैं इसके बाद मेरे लिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती थी, लेकिन बच्चा जहन था और बचपन ही में जो है गलती कर दी, गलती हो गई, उस वक्त मैंने कंपनी छोड़ दी। फिर मैंने एक टीम सॉल्यूशंस कंपनी ज्वाइन की जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, और उस पर मैंने बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के तौर पे ऊपर ज्वाइन किया। और उस कंपनी के अंदर जो है वो काफ़ी मेहनत की, कोशिश की कि वहाँ पर भी कुछ थोड़ा अपना कुछ कर सकें, रेपुटेशन बनाई थोड़ी सी। फिर आहिस्ता आहिस्ता कंपनी के अंदर भी, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें ठीक नहीं थी, लेकिन कोशिश की कि अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा हो। 5 साल उस कंपनी के साथ रहा मैं और बहुत कोऑपरेटिव रहे वहाँ के जो सीनियर, जो जो वहाँ के बॉस हैं एक्चुअली, वो बहुत ज़्यादा मेरे साथ कोऑपरेट किया उन्होंने। ख़ास करके जब मेरे को इंजरी हो गई थी मेरे घुटने में और मेरे को सर्जरी हो गई थी मेरे पाँव की, तो मैं वहाँ पे मरीज़ बन के घर पे पड़ा रहा था तकरीबन 1 साल, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मुझे इंटरनेट भी दे दिया था घर के अंदर और मुझे लैपटॉप भी दे दिया था, तो मैं पूरा साल घर से मैंने काम किया था उनके लिए। दिस आई विल नेवर फॉरगेट। फिर उसके बाद अब मैंने दोबारा रेहान अला वाला साहब को ज्वाइन किया है और एक नए अज़म के साथ, एक नए सोच के साथ कि मुझे कुछ करना है, नया स्टार्ट लेना है, अपने आप को।